दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज बॉलीवुड के गलियारों से ये खबर फाइनली निकल के आ चुकी है कि भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भैया स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया हेरा फेरी के अगले पार्ट यानी कि भैया पार्ट थर्ड का काम शुरू हो चुका है। और भाई जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई कि भैया इस खबर को सुनते ही खिलाड़ी कुमार की दीवानी ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई इस फिल्म के माध्यम से खिलाड़ी कुमार बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड भी बनाएंगे और अपने चहेतों को ज़बरदस्त जवाब भी देंगे, जो कि भैया उनको लेकर इन दिनों नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म कर रहे हैं कि भैया खिलाड़ी कुमार का जो फिल्मी कैरियर है वो ख़त्म हो चुका है। यानी भैया एक तरफ खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म को लेकर इतनी सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि भैया दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर एक नेगेटिव बाजार भी तैयार हो गया है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि भैया हो गया इस फिल्म का बेड़ा गर्क। तो भाई कैसे इस फिल्म को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं और कौन कर रहा है इस फिल्म का बेड़ा गर्क, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब हेरा फेरी के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो इस फिल्म को बहुत जल्दी फ्लोर पर लेकर जाने वाले हैं और इस फिल्म की कहानी को भी उन लोगों ने तैयार कर लिया है यानी कि भैया ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर आएगी, तो उस वक्त भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार नज़र नहीं आएंगे, उनकी जगह इस फिल्म में नज़र कौन आएंगे, तो भैया कार्तिक आर्यन नज़र आएंगे इसमें। उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म को इस बार अनीश बज्मी डायरेक्ट करेंगे, यानी कि भैया ये खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही थी। लेकिन अचानक ही भैया फिर इस फिल्म को लेकर ये खबर आई कि भैया इस फिल्म के मेकर ने इस फिल्म के तीनों मुख्य कलाकारों को मीटिंग के लिए बुलाया है यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को, और वहाँ पर उन लोगों को ये कमिटमेंट दिया है कि भाई टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि भैया अक्षय कुमार इस फिल्म में रहेंगे, यानी कि भैया कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में एंट्री नहीं होगी। और आज इस बात को लेकर पुख्ता मुहर भी हम लोग के सामने लग चुकी है इस खबर के साथ कि भैया ये तीनों कलाकार ही इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं। तो भाई कैसे इस फिल्म का बेड़ा गर्क हो रहा है? तो भाई बेड़ा गर्क करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया अनीस बज्मी नहीं आ रहे, बल्कि फराज साम जी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। और इसी खबर को सुनने के बाद ये बात कही जा रही है कि भैया अगर इस फिल्म को फराज साम जी डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भैया जो लोग इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया फराज साम जी की वजह से इस फिल्म का बेड़ा गर्क हो सकता है, तो भाई अभी एक और फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है ईद के शुभ अवसर पर, जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। तो उस फिल्म का भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? आप समझ ही होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई देखिए अक्षय कुमार की इस फिल्म का काम शुरू हो गया है, तो भैया इस खबर को सुनते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि भैया अक्षय कुमार का नाम सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो उनकी कामयाबी से जलते हैं क्योंकि वो लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो भैया कुछ ना कुछ क्रिएटिव बात कह के भैया उनकी इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बाजार सजाएंगे ना। लेकिन भाई जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो भैया ये फिल्म अपने नाम से ही सुपर डुपर हिट हो जाएगी, ये बात तो मैं आप लोगों को पहले ही कह देता हूँ। और अगर भैया इस फिल्म की कहानी अच्छी होती है, इस फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा होता है, इस फिल्म का मेकिंग अच्छा होता है, तो भाई ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस भी करेगी, ये बात आप लिखवा लो। कहते हैं ना कि वो बिल्ली के छींकने से छींका नहीं टूटता है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।